हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूटी यूजी के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज की फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है मेन कैंपस की, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में कैसे कमेंट पूछे गए थे कि भैया फर्स्ट कट ऑफ क्या रहती है मेन कैंपस की, किसके आसपास रह सकती है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी की फर्स्ट कट ऑफ, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, जितनी भी शायद कट ऑफ हो, काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, क्लासेस हो, आगे की जितनी भी अपडेट होगी वो सभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप इसके लिए बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे सारी अपडेट जितनी भी अपडेट्स आएंगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित वो सभी जानकारी हम आपको ए टू जेड प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताते हैं। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बीए कोर्स की, बीए कोर्स की फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है मेन कैंपस की, ठीक है। जैसा कि आपको पता है बीए में आपके दो डोमेन होते हैं, एक लैंग्वेज होता है, एक जनरल टेस्ट होता है, इससे आपकी कट ऑफ बनती है। टोटल 850 मार्क्स से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। तो 850 मार्क्स में से जो फर्स्ट कट ऑफ रह सकती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए कोर्स की, वो 550 प्लस रह सकती है। 550 प्लस का ये मतलब नहीं है कि 550 ही रहेगी, ठीक है, 550 से ऊपर अगर रहेगी कट ऑफ, वो 600 भी रह सकती है, 610, 620 भी रह सकती है, यानी कि 550 से ऊपर ही फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली है। अगर 550 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करा पाएंगे, फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ आएगी उसमें अपनी काउंसलिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए कोर्स में करा पाएंगे। तो वहीं हम बीएससी कोर्स की बात कर लेते हैं, बीएससी में भी दो डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, 850 मार्क्स से कट ऑफ बनती है, और इसकी भी जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है वो भी आपकी 500 से 600 के बीच में रहती है, ठीक है, 500 से 600 के बीच में इसकी फर्स्ट कट ऑफ रहेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस की। और बात कर लेते हैं आपके बीकॉम कोर्स की, जिसमें एक आपका वो होता है क्या कहते हैं डोमेन, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है जनरल टेस्ट, और कट ऑफ 650 मार्क्स से आपकी बनती है। तो इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ रहती है बीकॉम की आपकी 400 से 450 के बीच में फर्स्ट कट ऑफ रह सकती है और रहेगी। आप देख लीजिएगा जब मेन कैंपस की फर्स्ट कट ऑफ आएगी तो 400 से 450 के बीच में फर्स्ट कट ऑफ मेन कैंपस की रहेगी, और जिन भी स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स होंगे वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करा पाएंगे, फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ आएगी उसमें अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। वही बीएलएलबी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि ये 650 मार्क्स का तो रहता है, इसका डोमेन है लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, 650 मार्क्स से कट ऑफ बनती है। तो इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ आप मान के चलिए 550 प्लस ही रहेगी, 650 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सीयूटी यूजी का, लेकिन कट ऑफ तब भी 550 प्लस रहेगी फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। तो बीएलबी सबसे हाई कट ऑफ रहती है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जितनी भी कट ऑफ आएगी उसकी सबसे बड़ी कवरेज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। कोई भी कट ऑफ, कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम सबका रिप्लाई करेंगे, आप कमेंट करिए हम सबका रिप्लाई करेंगे। काफ़ी लोग तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करते, लेकिन आप उनकी वीडियोस भी देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस में आपकी और अच्छे से हेल्प हो सके, सभी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके, ठीक है, धन्यवाद।